हेलो गाइस, मैं फ़हीम खान, कौटिल कंपटीशन क्लासेस, आलमबाग, लखनऊ से। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं फ़हीम खान पिछले 8 सालों से जनरल स्टडीज़ का एक्सपीरियंस पढ़ाने का, और मैं जनरल स्टडीज़ फैकल्टी कौटिल कंपटीशन क्लासेस, आलमबाग, लखनऊ से। तो बेटा, हम लोग अब रेगुलर बेसिस पर यूट्यूब पर अपने वीडियोस को शूट करके आप सभी लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर जनरल स्टडीज़ के वीडियोस, अगर हम बात करें तो ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोस आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड्स किए जाएंगे, वो चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, वो बेटा रीजनिंग हो बेटा, जनरल स्टडीज़ हो, करेंट अफेयर्स हो, हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आप सभी लोगों को हमारे कौटिल कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बेटा आज से रेगुलर बेसिस पर हर सब्जेक्ट के एक एक दो दो वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे। और इसके साथ साथ बेटा हमारे कौटिल कंपटीशन क्लासेस ऐप पर जा करके, यानी गूगल प्ले स्टोर पर आपको कौटिल कंपटीशन क्लासेस के ऐप पर भी जा करके तमाम चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेटा एक छोटी सी बात से अपनी बात को रखना चाहूँगा कि मैं फ़हीम खान जीएस फैकल्टी में या जीएस के साथ मैं आप सभी लोगों को डील करूँगा। बेटा थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं कि कौन से टीचर्स क्या क्या हमारे यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ के साथ हम लोग रहेंगे। तो बेटा देखते हैं, जैसे मैथ्स की मैं बात करूँ तो मैथ्स आपको हमारे यहाँ पर एक विवेक यादव सर के द्वारा ये क्लासेस अरेंज की जाएंगी। और दूसरे होंगे बेटा रितेश सर, दो लोग होंगे। बेटा इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश बेटा विवेक यादव सर के द्वारा। अगर रीजनिंग की बात की जाए तो ये मिस्टर विवेक त्रिपाठी सर के द्वारा आपको सारी की सारी क्लासेस हमारी अरेंज की जाएंगी रीजनिंग। जीएस बेटा ये होंगी फ़हीम सर एंड टीम, इसमें कई लोग मिल करके जीएस को हम लोग देखेंगे। करेंट अफेयर्स भी बेटा ये फ़हीम सर एंड टीम के साथ में होंगे। और नेक्स्ट बात करें अगर हिंदी की तो बेटा हिंदी हमारी देखेंगी प्रत्यक्षा मैम हमारी हिंदी देख रही होंगी। तो इस तरीके से देखेंगे, एक तो कौटिल कंपटीशन क्लासेस की एक टीम है, उस टीम में बेटा मैथ्स मिस्टर विवेक यादव एंड रितेश सर के द्वारा, इंग्लिश विवेक यादव सर के द्वारा, रीजनिंग सब्जेक्ट विवेक त्रिपाठी सर के द्वारा, एंड जीएस फ़हीम सर एंड टीम के द्वारा, और करेंट अफेयर्स की क्लास भी रेगुलर बेसिस पर, यानी वीक में एटलीस्ट टू आवर्स की करेंट अफेयर्स की जो क्लासेस होंगी वो यूट्यूब चैनल पर आपको, यानी कौटिल कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फ़हीम सर और टीम के द्वारा अरेंज की जाएंगी। और हिंदी की क्लासेस हमारी प्रत्यक्षा मैम के द्वारा होंगी। थोड़ी सी और बेटा हम लोग बात करने चल रहे हैं, मैं फ़हीम खान आपको जीएस फैकल्टी, और बेटा जीएस के साथ ही हम अपनी बात को रखते हैं और जीएस से ही हम अपनी बात की स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जीएस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमें जीएस में पढ़ना क्या है, जीएस में छोड़ना क्या है। बेटा ऐसी बातें सिचुएशंस में या क्लासेस में देखने को मिलती हैं कि बच्चे अक्सर जीएस को पढ़ करके बोर हो जाते हैं। बेटा याद रखना, जीएस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, बेटा इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इंडियन पॉलिटी, एंड सब सब्जेक्ट्स की बात करें तो बेटा सारे के सारे सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़ में बहुत अच्छे हैं। बट कंडीशन है कि इनको पढ़ा कैसे जाए, समझा कैसे जाए। बेटा आज की जो हमारे बच्चों की सिचुएशन होती है वो करते क्या हैं, वो चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं। तो याद रखना, जीएस में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बेटा रटी जाए। तो जीएस में करना क्या है, बेटा जीएस को सीखना है हमें कि जीएस को पढ़ा कैसे जाए। तो मैं फ़हीम खान बेटा एक बार फिर बेटा मैं ज्योग्राफी से आप सभी लोगों की बात को रखूंगा और ज्योग्राफी से अपनी शुरुआत कर रहा हूं। ज्योग्राफी का मतलब है भूगोल, और बेटा इस ज्योग्राफी को जब पढ़ना है तो बेटा ज्योग्राफी के 3 मेजर पार्ट्स हैं, और उन 3 मेजर पार्ट्स में बेटा हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिवर्स की।
यानी हमें क्या पढ़ना है अपने सिलेबस में, हमें ब्रह्मांड के बारे में सारी चीज़ें जाननी है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें, हमें इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में जाननी है, और इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी अगर हम बात करेंगे तो बेटा इसमें फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और फिज़िकल ज्योग्राफी को फर्दर कई पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। मगर यहाँ पर सिंपल बस जानिए कि पहले नंबर पर हम यूनिवर्स की बात करेंगे और दूसरे नंबर पर हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, और विश्व के भूगोल के बाद नेक्स्ट बात जो हम लोग जहाँ से शुरुआत रखेंगे करेंगे वो होगी हमारी इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम अपने भारत का भूगोल जानेंगे कि भारत का भूगोल क्या है, भारत के बारे में हर एक चीज़ को जानने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है ज्योग्राफी का, जिसके बिना ज्योग्राफी अधूरी रखती है, और वो है बेटा मैपिंग। मैपिंग को भी पढ़ेंगे, और मैपिंग को बेटा विद मैप के साथ, बेटा याद रखना पूरी ज्योग्राफी में मैप के साथ ही पढ़ाऊँगा, वो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, यूनिवर्स की हम बात करें या फिर मैपिंग की बात करें, टोटल एटलस के साथ और बेटा कैसे मैप के साथ ही हम ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं। बेटा देखिए मैं सबसे पहले जहां से आप लोगों की बात रखूंगा, जहां से अपने सब्जेक्ट को आज ही से स्टार्ट करने चल रहा हूं, वो है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी से मैं अपनी बात को रखता हूं, और बेटा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ़ करता हूं और इंडियन ज्योग्राफी से अपनी बात को रखता हूं, चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं उनके बारे में। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी क्या है, कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे इंडियन ज्योग्राफी को। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो हेडिंग लगा लेते हैं, समझते हैं चीज़ों को इंडियन ज्योग्राफी के बारे में क्या है, समझिए बेटा। इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारत का भूगोल। और इसमें जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना है होता है, जो बेटा पहला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया, यानी भारत के विषय में हमें बेसिक जानकारी जाननी है और उन्हीं को पढ़ना है, जानना है। और इसमें बेटा पहली कंडीशन जो हम पढ़ेंगे वो होगी भारत की, ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या होगी, इस ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है। तो ग्लोब पर भारत की स्थिति मतलब लोकेशन ऑफ इंडिया, क्या पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन ग्लोब, यानी ग्लोब पर भारत को जानेंगे। मगर बेटा भारत की स्थिति को जानने से पहले हम कई बेसिक चीज़ों के साथ आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, पहले कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बेटा पहले थोड़ी सी ग्लोब की ही बात कर लेते हैं कि ग्लोब क्या होता है। बेटा देखा होगा जो ग्लोब होता है, इस ग्लोब पर दो तरीके की लाइन ड्रा होती हैं, एक तो बेटा क्षैतिज लाइन होती है और बेटा दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर को बेटा हम लोग वर्टिकल लाइंस बोलते हैं और इसको बेटा हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा ग्लोब होता है उस ग्लोब के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो ये क्या वर्टिकल लाइंस होती हैं, कैसी होती हैं, और बेटा याद रखना जो क्षैतिज लाइन है, इन क्षैतिज लाइन को ही बेटा अक्षांश रेखाएँ कहा जाता है, या अक्षांश रेखा कहते हैं, और इनको बेटा देशांतर रेखा कहते हैं। चीज़ों को समझते हैं, समझा रहा हूँ, समझिए बेसिक चीज़ों के साथ बेटा मैं हूँ यहाँ पर, यहीं से अपनी बात को रख रहा हूँ। बेटा मैं एक ग्लोब ड्रा कर रहा हूँ भारत के, ये बेटा एक ग्लोब हो गया, और इस ग्लोब पर जो ड्रा की गई ये लाइन है जो बीचों बीच से जा रही है पूरे अर्थ के, बेटा ये जो अर्थ है इस अर्थ के बीचों बीच से, और इसको बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश, क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश बोलेंगे, और इस 0 डिग्री अक्षांश को ही बेटा हम लोग इक्वेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्वेटर, या इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। बेटा इसके ऊपर जाएंगे, या बेटा एक बात और, ये 0 डिग्री से जब ऊपर का हिस्सा होगा, ये ऊपर का हिस्सा कहलाएगा नॉर्थ हेमी स्पीयर, क्या कहलाएगा, नॉर्थ हेमी स्पीयर, या उत्तरी गोलार्ध इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। नीचे का जो हिस्सा होगा इसको बोलेंगे बेटा साउथ हेमी स्पीयर, क्या बोलेंगे, साउथ हेमी स्पीयर, ठीक है बेटा, इतनी बात। बेटा नॉर्थ हेमी स्पीयर में ऐसे 23.5 नॉर्थ पर ड्रॉ की गई लाइन, बेटा इसको हम लोग
कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, या अंग्रेजी में बेटा इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ऐसे ही नीचे आएंगे 23rd and a half साउथ पर बेटा इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बेटा ऊपर जाएंगे, ये क्या है 66 and a half नॉर्थ है, यहाँ पर आएंगे तो 90 degree नॉर्थ है। नीचे आएंगे तो ये बेटा 66 and a half साउथ है, और बेटा यहाँ आएंगे 90 degree साउथ। अब बेटा देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। बेटा जो ये वाला एरिया है, बेटा जो ये एरिया है यानी मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच का जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं उष्णकटिबंधी एरिया। क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधी एरिया या क्षेत्र बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हो। और बेटा अगर अंग्रेज़ी में बात करें तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। बेटा इस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल जोन। इस एरिया को बेटा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, और या हिंदी में इसी को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, नेक्स्ट बात बेटा, अगर हम थोड़ा सा ऊपर वाले की बात करें इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, और अगर हम अंग्रेज़ी की बात करें तो इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। बेटा चीज़ों को समझना है क्योंकि हमें लोकेशन समझनी है। तो बेटा भारत में क्या है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो क्षैतिज रेखाएं ड्रा की गई हैं, यानी जो हॉरिजेंटल लाइंस ड्रा की गई हैं, इन्हीं को बेटा हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इनकी डेफिनेशन ये क्या होती हैं, कितनी होती हैं, वैसे टोटल 181 होती हैं, बट बेटा जब 90 degree नॉर्थ और 90 degree साउथ को एज ए पॉइंट के रूप में काउंट करते हैं तो ये अक्षांश रेखाओं की या लैटिट्यूड्स, बेटा इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स, और इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स की जो संख्या है बेटा 181 होती है, बट बेटा जब इस 90 degree नॉर्थ और 90 degree साउथ को एक पॉइंट के रूप में कैलकुलेट किया जाता है तो बेटा इनकी संख्या 179 हो जाती है। आपको क्या जानना था? बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम उष्णकटिबंधीय एरिया बोलते हैं या फिर ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे, और बेटा 23rd and a half से 66 and a half के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम शीतोष्णकटिबंध कहते हैं, और ऊपर जो 66 and a half से 90 degree नॉर्थ तक है इसको शीत कटिबंध। ऐसे ही नीचे आएंगे, दिस इज द फ्रिजिड जोन, दिस इज द सब ट्रॉपिकल जोन एंड ट्रॉपिकल जोन। तो इस तरीके से आप लोग ये चीज़ें देखेंगे। और दूसरी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर हम बताने चल रहे हैं बेटा, अगर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि इनके बिना आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। अब बेटा मैं आगे थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ, इसको मैं यहीं पर लिखे दे रहा हूँ, ये वाला चीज़ उष्णकटिबंधी एरिया या उष्णकटिबंध बोलते हैं। देखिए बेटा दूसरी बात बेटा, एक दूसरा ग्लोब देख लेते हैं, एक दूसरा ग्लोब देखते हैं और दूसरे ग्लोब को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। अब बेटा देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, दिस इज़ द नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ द साउथ पोल। ये NP का मतलब नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो मिलाने वाली लाइन होगी इसी को बेटा हम लोग क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा क्या है? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो लाइन है इन्हीं को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएँ कहते हैं। और बेटा याद रखना 1884 AD में, कब बेटा? 1884 AD में बेटा अमेरिका का एक शहर है वाशिंगटन DC, और इस वाशिंगटन DC में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, और इस सम्मेलन में जो बेटा ये रेखा है जिसको हम लोग 0 degree देशांतर बोलते हैं, या बेटा इसी को 0 degree लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और इस 0 degree लॉन्गिट्यूड को पूरे विश्व के लिए स्टैंडर्ड टाइम जोन घोषित किया गया था।
यानी पूरे विश्व के लिए क्या किया गया, स्टैंडर्ड टाइम जोन। बेटा आपको क्या जानना है कि देशांतर रेखा क्या है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो मिलाने वाली लाइन है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या किया गया, 1884 AD में वाशिंगटन DC में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, और उस सम्मेलन में क्या किया गया कि बेटा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको बेटा क्या किया गया है कि बेटा ऐसे समझ लें कि स्टैंडर्ड टाइम जोन घोषित किया गया। और बेटा यही 0 डिग्री देशांतर रेखा को बेटा ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ग्रीनविच इज़ द सिटी ऑफ लंदन। ग्रीनविच लंदन का एक शहर है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा इस ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यही रीज़न है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को बेटा ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। और ये 0 डिग्री देशांतर पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जोन है। और ये भी डिसाइड किया गया इस 0 डिग्री देशांतर से अगर हम ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो जो हमारा समय होगा वो हमारा समय क्या होगा, बढ़ेगा, यानी आगे बढ़ेगा। और बेटा अगर हम इससे वापस आएंगे वेस्ट की तरफ, अगर हम बैक में जाएंगे तो हमारा जो समय होगा ये घटेगा। तो दो बातें आपको और क्या याद रखनी है कि 1884 को एक सम्मेलन आयोजित किया वाशिंगटन DC में, और वहाँ पर 0 डिग्री देशांतर को स्टैंडर्ड टाइम जोन घोषित किया गया। इसी को बेटा हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ग्रीनविच क्या है, लंदन का एक शहर है जहां से ये लाइन गुजरती है, इसलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा गया है। अगर कोई बेटा, और बेटा दूसरी बात है कि स्टैंडर्ड टाइम जोन पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम जोन है, अगर हम 0 डिग्री देशांतर से ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो हमारा जो समय है वो आगे बढ़ेगा, अगर हम बैक पे देखेंगे तो हमारा समय क्या होगा, इससे कम होगा। बेटा ये दो चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी थी कि आपका लैटिट्यूड्स क्या होता है और लॉन्गिट्यूड्स। बेटा इसको जब वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे तो उस वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक टॉपिक पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का, इंटरनेशनल टाइम लाइन का, इंटरनेशनल डेट लाइन का, तो एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, तो हम लोग वहाँ पर इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे और इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी है, और उस बेसिक इन्फॉर्मेशन में भी हमें भारत की लोकेशन को समझना है, अपने भारत को देखना है कि भारत हमारे ग्लोब पर कहाँ लाई करता है। तो हम बात करते हैं भारत की लोकेशन या भारत की स्थिति क्या है। बेटा अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा हमारा एक व्हाट्सएप नंबर होगा, रहेगा, व्हाट्सएप नंबर पर बेटा आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। और आने वाले दिनों में हम लोग इसने कौटिल कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर भी लाइव क्लासेस के साथ होंगे, बस आने वाले चंद दिनों में। तो बेटा अगर हम लोकेशन की भारत की बात करें तो समझिएगा बेटा क्या है लोकेशन, थोड़ा सा मैप बनाते हैं और मैप को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको हमारी बात समझ में आए। तो बेटा देखो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, यानी 0 डिग्री इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे, ठीक है। और इधर जा रहे हैं तो ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश, और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्वेटर। तो इक्वेटर हो गया। अगर हम भारत की अपनी बात करें तो भारत यहाँ कहीं स्थित है बीच में। अगर बेटा हम डायरेक्शन की बात करें तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये क्या है, दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन है, यानी ईस्ट है। तो बेटा भारत जब यहाँ कहीं है तो अगर हम देखें तो भारत क्या है, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हेमी स्फीयर में स्थित है। अगर हम भारत की लोकेशन की बात करें तो भारत कहाँ है, भारत नॉर्थ ईस्ट हेमी स्फीयर में, कहाँ है बेटा, नॉर्थ ईस्ट हेमी स्फीयर में स्थित है। नॉर्थ ईस्ट हेमी स्फीयर का मतलब क्या होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने अभी क्या बात की थी कि बेटा इस 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर क्या है, नॉर्थ है, नीचे क्या है, साथ साउथ है। अगर इंडिया यहाँ पर होगा, अगर हम अक्षांश को कैलकुलेट करें तो क्या होंगे, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश को बेटा हम लोग लिख रहे हैं नॉर्दर्न बेटा क्या, लैटिट्यूड्स। अगर हम नॉर्दर्न यानी उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे, कहाँ है बेटा उत्तरी अक्षांश, तो देखते हैं बेटा चीज़ों को समझते हैं। देखिए बेटा अगर हम अपने भारत को देखें तो कुछ इस तरीके से वर्ल्ड विश्व के मैप पर लोकेटेड है, कुछ इस तरीके से बेटा ये भारत है। अब बेटा भारत में जब हम उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं तो
बेटा कुछ इस तरीके से देखेंगे तो जो इसको टच करके जाएगा ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यानी अगर हम कहाँ देखें, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के अगर हम ऊपर भारत की लोकेशन पर जाते हैं तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। यानी कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के मध्य में हमारा भारत लोकेट करता है। अब बेटा हम देशांतर रेखाओं की बात कर लें तो देशांतर रेखाओं की बात करें तो कुछ इस तरीके से हमारा भारत दिखाई देगा आपको। तो बेटा ये जो देशांतर रेखा होगी, ये जो देशांतर रेखा है ये है बेटा 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ होगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी अगर हम अब देखें, और बेटा ये क्या है, इस 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ क्या है, ईस्ट, तो हम क्या कहेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स यानी पूर्वी देशांतर। और जो पूर्वी देशांतर है इनकी लोकेशन क्या है बेटा, लोकेशन आप मैप पर देखें 68 डिग्री कहाँ से है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के मध्य में। अगर आप भारत की लोकेशन को देखें तो क्या लोकेशन है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम अक्षांश की बात करते हैं, लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य में हमारा भारत है। अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करते हैं यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो 68 डिग्री से बेटा आप खुद देखें, ये बेटा हमारा भारत अब आपको सामने नजर आएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य में हमारे भारत लोकेट करता है। बेटा अगर इतने में आप लोगों को हमारी कोई भी बात समझ में ना आई हो तो प्लीज़ बताइएगा, आप लोग जरूर कमेंट जरूर करें, वीडियो को देखें, देखने के बाद सब्सक्राइब करें, वेव्स करें, देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। बेटा लगता है कि आपके लिए हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, बेहतर पढ़ा सकते हैं, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। बेटा इतनी बात हो गई, एक चीज़ हम और पढ़ लेते हैं। बेटा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती, तो हम इस कर्क रेखा को गुजार देते हैं और ये क्या है, 23.5 नॉर्थ यानी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत में कैसे गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, बस यही आज जान लेते हैं कि कर्क रेखा की क्या सिचुएशन है, कैसे गुजरती है। तो बेटा कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ी सी जगह चाहिए। तो कर्क रेखा, तो बेटा कहा जाता है कि जो कर्क रेखा है बेटा, अभी देखिए बेटा, हमने आपको पहली क्लास में बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको बताया था कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 नॉर्थ है और ये 23.5 साउथ है। और बेटा इसका जो बीच का एरिया है ट्रॉपिकल जोन है। और बेटा देखिए ये वाली रेखा 23.5 ये भारत के नीचे जा रही है बेटा, भारत के बीच से जा रही है। अगर नीचे का हिस्सा देखो तो ट्रॉपिकल जोन में आ रहे हैं और ऊपर क्या है, सब ट्रॉपिकल जोन में। तो हम पहली बात क्या पढ़ेंगे, 23.5 नॉर्थ, या इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और या फिर बेटा इसी को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पहली बात क्या जाननी है कि जो कर्क रेखा है बेटा, मैं एक एक पॉइंट का बात कर रहा हूँ, कर्क रेखा जो भारत है इस भारत के लगभग मध्य से, बेटा कंप्लीट नहीं कह सकते, लगभग क्या है, मध्य से होकर के गुजरती है। और ये करता क्या है, ये कर्क रेखा करती क्या है, जो भारत है बेटा, इसको ऐसे नहीं बेटा पॉइंट्स में जान लो, जो भारत है इस भारत को उष्णकटिबंधी, कैसे बेटा, उष्णकटिबंधी, तो नीचे का हिस्सा देखें जो साउथ इंडिया का हिस्सा है ये कहाँ आ जाएगा, उष्णकटिबंधी एंड उपोष्णकटिबंधी या शीतोष्णकटिबंध में डिवाइड करती है। यानी इसी को क्या कहेंगे, कटिबंध में डिवाइड करती है, पहला पॉइंट। बेटा आपने क्या जाना कि जो भारत है, जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के लगभग मिडिल से होकर के गुजरती है और ये भारत को दो जोन, एक बेटा क्या होगा, उष्णकटिबंध को बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन
और बेटा सब शीतोष्ण जोन को क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल जोन में क्या करेगी, ये डिवाइड कर देगी, सब ट्रॉपिकल जोन में डिवाइड कर देती है, पहली बात। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है, कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो वो राज्य कौन कौन से हैं आपको याद करना पड़ेगा। मुझे भी नहीं याद है बेटा, मगर बेटा एक छोटा सा तरीका याद रखना है, कैसे? देखो बेटा मैं बता रहा हूँ बेटा, गमछा जानते होंगे, गमछा, झार, मित्र, पर। तो क्या है? गा का मतलब है गुजरात, मा का मतलब है एमपी यानी मध्य प्रदेश, छा का मतलब है छत्तीसगढ़, झा का मतलब है आपको झारखंड, रा का मतलब है बेटा राजस्थान, मी का मतलब है मिजोरम, मी का मतलब है मिजोरम, त्रा का मतलब है बेटा त्रिपुरा, और पा और रा, रा कॉन्स्टेंट है, पा का मतलब है बेटा पश्चिम बंगाल। तो बेटा इससे बेस्ट तरीका और क्या होगा कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, वो राज्य कौन है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। आप देखिए कितने सारे राज्य हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 त्रिपुरा है बेटा, ये त्रिपुर नहीं त्रिपुरा। तो बेटा इस तरीके से क्या देखेंगे कि कर्क रेखा भारत को दो जोन में डिवाइड कर रही, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन एंड सब ट्रॉपिकल जोन, एंड सेकेंड पॉइंट इज दिस, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और वेस्ट बंगाल है। बेटा क्वेश्चन यहीं तक सीमित नहीं रहते, इन्हीं पर क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन का मैं स्टैंडर्ड आपको समझा रहा हूँ कि इस पॉइंट पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन दे देगा, इन 4 राज्यों में से कोई 3 राज्य उठा लेगा और आपसे पूछ लेगा कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो बेटा मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन का स्टडी कर लेता हूँ कि बेटा ऊपर वाले हिस्से को मैं रफ कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। बेटा देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ कि इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा, पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 झारखंड, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? आप देखें इन राज्यों में कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, यानी कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस कर्क रेखा से नहीं गुजरती। मगर बेटा जब आप स्टडी करेंगे, अपने भारत को समझेंगे, तो एटलस को साथ में रखेंगे और एटलस में इस कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की स्टडी करेंगे और बेटा कैसे क्वेश्चन बनाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आइडिया आपको देता हूँ। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन सा शहर, कुछ ऐसे पूछ लेगा, कौन सा शहर एग्जैक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पर बसा हुआ है, यानी कर्क रेखा पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 रांची, ऑप्शन नंबर 2 गांधीनगर, ऑप्शन नंबर 3 भोपाल एंड ऑप्शन नंबर 4 लखनऊ। तो लखनऊ ने बेटा इलाहाबाद कर दो या प्रयागराज कर देते हैं। तो आप इसका आंसर, राइट आंसर होगा झारखंड की राजधानी क्या है, एग्जैक्ट कर्क रेखा पर ही बसा हुआ शहर है। और भी बेटा इसको टफ किया जा सकता है, कैसे? एक क्वेश्चन अगर और देखें, 4 शहर दे देगा, 4 शहर देगा, पूछ सकता है कि कौन सा शहर है जो इस
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एकदम साउथ में है या एकदम नॉर्थ में है, या चार शहर दे देगा, उनमें से पूछ लेगा कौन सा शहर कर्क रेखा के एकदम नज़दीक है, एकदम पास में है। अब ये सब जानकारी आपको कैसे मिलेगी? यकीन जान लो बेटा, भारत का कोई भी टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको रटा नहीं सकता, वो आपको पढ़ा नहीं सकता। बस आप कैसे पढ़ेंगे? एटलस के दम पे। जब भी आप इस टॉपिक को, कोई भी ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप एटलस के साथ पढ़िए, एटलस में देखिए चीज़ों को और देखिए बेटा कि कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, कौन से शहर उसके नियरेस्ट पढ़ रहे हैं, कौन शहर एग्जैक्ट इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बेटा याद रखना, एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत आसान है, और ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हो, जीएस का कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, उसको पढ़ना बहुत आसान है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि उसे पढ़ा कैसे जाए, उसे समझा कैसे जाए, और क्या हम उस सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। और बेटा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, और बेटा अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए ओके, नमस्ते बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।